Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our economic series. जो हमारी economic series है, इसमें कि हम basic concepts as per economics, जो हमारे important basic concepts है economics के, उनको हम clear कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग current affairs जो important है उसको भी देखेंगे. So first of all, the video we are going to do today, the topic we are going to touch today is industrial policies. India's industrial policies. किस तरह से इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इवॉल्व विद टाइम हाउ आवर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इवॉल्व वी विल बी लुकिंग ऑन दैट. ठीक है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज. सो द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज अनाउंस्ड कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, जो सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, दैट वाज इन 1948, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. व्हाट यहां पे क्या हुआ कि वी डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इनटू फोर टाइप्स. Four types of industries. Industries were divided into four types. The first one were strategic. Second one was basic key industries. Basic industries, or you can call them key industries. Third one were important industries. And fourth, others. तो इस टाइम हमने क्या किया, चार पार्ट्स में इंडस्ट्रीज को अपनी डिवाइड कर दी 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी. पहले हमने स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री रखा, फिर बेसिक की रखा, बेसिक की इंडस्ट्रीज, फिर इंपॉर्टेंट, फिर अदर. तो जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थे, दे वर कंप्लीटली अंडर पब्लिक सेक्टर. इसमें अगर कुछ इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल्स दूं तो इसमें सच एज आर्म्स हो गए, एटॉमिक हो गया, रेल्स हो गए. तो दिस वर कैप्ट एज पब्लिक सेक्टर, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज गवर्न्ड बाय द पब्लिक सेक्टर. फिर सेकेंडली जो बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज बोले, तो इसमें पब्लिक सेक्टर भी प्रेजेंट थी और प्राइवेट भी प्रेजेंट थी. ठीक है, द एग्जांपल्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर कोल हो गया, मिनरल हो गया, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा. कोल, मिनरल, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा. सो दीज वर केप्ट अंडर बेसिक और की इंडस्ट्रीज. देन वी हैव इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, तो दीज वर केप्ट कंप्लीटली अंडर प्राइवेट हैंड्स. एक इसके अंदर थे, प्राइवेट हैंड्स के अंदर थे. और अगर इसमें बेसिक की बात करें तो दीज वर टोटल सिक्स इंडस्ट्रीज. ओके, एंड इंपॉर्टेंट टोटल देयर वर टोटल 18 इंडस्ट्रीज. टोटल 18 इंडस्ट्रीज को हमने आइडेंटिफाई किया, जिसको इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई किया, एंड दे वर केप्ट इन प्राइवेट हैंड्स. सच एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, सुगर इंडस्ट्रीज हो गई, रबर इंडस्ट्रीज हो गई, मोटर इंडस्ट्रीज हो गई. तो एक्सेट्रा, दीज वर डिटरमाइंड एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज केप्ट इन द प्राइवेट हैंड. उसके बाद अदर्स में जो देखा जाए, तो अदर्स में कुछ इंडस्ट्रीज, जो भी जितने भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थे, इन सब को छोड़ के जितने रिमेनिंग इंडस्ट्रीज बचे, उन सब को अदर्स में डाल दिया, जिसको कि प्राइवेट भी होल्ड कर रहा था और कुछ कोऑपरेटिव्स भी होल्ड कर रहे थे. तो दीज आर अदर्स. सो 1948 में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, वो इस तरह से डिवाइडेड थी. ठीक है, स्ट्रेटेजिक, बेसिक, इंपॉर्टेंट, अदर्स, इस तरह से सब गवर्न थी. और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे दी हैं. उसके बाद जो हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दैट इज इन 1956, जिसको हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं. इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म. This is the 1956 industrial policy. ये कब आई, जब हमारा second plan year, second five year plan जो था, वो start होने वाला था, और that was Mahanobolish plan. Mahanobolish plan जो था, that heavily focused on industries, जिसने कि industry पे काफी focus किया,
और उसी टाइम दिस 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम अप व्हिच इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बायबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। तो इसमें हमारा रोल क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर उसको एक्सपेंड करना था, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर जो मेजर एम था। और इसमें इंडस्ट्रीज वर चेंज्ड एंड डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, जैसे 1948 में फोर टाइप्स थे, इसमें चेंज करके हमने क्या कर दिया थ्री टाइप्स का। तो थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज थे, फर्स्ट वेयर द शेड्यूल वन इंडस्ट्री और यू कैन शेड्यूल ए इंडस्ट्री। तो सपोज उसी तरह से हमारे पास है शेड्यूल बी इंडस्ट्री एंड वी हैव आल्सो शेड्यूल सी इंडस्ट्री। तो शेड्यूल ए इंडस्ट्री में हमने क्या रखा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को रखा, जिसको की दैट इज कंप्लीटली कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमने रखा 17 इंडस्ट्री, तो दिस वाज एक्सपेंडेड। शेड्यूल बी में रखा जिसमें की पब्लिक सेक्टर भी थी, प्राइवेट सेक्टर भी थी, कहीं कहीं पे दोनों का पार्टनरशिप भी था, पब्लिक प्लस प्राइवेट। इसमें 12 इंडस्ट्री रखा गया। एंड शेड्यूल सी वर द कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर लीग, प्राइवेट सेक्टर गवर्न्ड इंडस्ट्री और जितने भी अदर इंडस्ट्रीज थे, लीविंग दीज टू, दीज 17 इंडस्ट्रीज और ये 12 इंडस्ट्री को छोड़कर जितने भी अदर इंडस्ट्रीज थे उनको शेड्यूल सी में रखा गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज थी उनकी काफी एक्सपेंशन हुई, बिकॉज द एम हियर वाज टू एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर। दिस वाज द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। उसके बाद फिर थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1977 तक हमने 1956 के बाद धीरे धीरे ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि जितने बिग इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको ऑपरेट करना, उनके ऑपरेशन कॉस्ट्स हो गए, उनमें इनएफिशिएंसी सब धीरे धीरे बिल्डअप होने लगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो बिग इंडस्ट्रीज है उनको उनका ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वी स्टार्टेड प्रमोटिंग कॉटेज इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये किसका मेन एम था, 1977 वाली पॉलिसी का। इसमें क्योंकि देखो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री एक तो पहले आपकी डिसेंट्रलाइज्ड है, हर एक लोकेशन में रूरल एरिया सब तक में लोकेटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट अधिक देते हैं और इससे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा था। और ऐसा हमने 56 के बाद नोटिस भी करना स्टार्ट कर दिया था कि बिग इंडस्ट्रीज, बिग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन कॉस्ट अधिक है, उनमें इनएफिशिएंसी ग्रो करना स्टार्ट हो चुकी थी। तो दिस वाज अबाउट 1977। उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हमारी 1988 में। इसमें हमने रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन को इम्पोर्टेंस दी, जिसमें हमने एमआरटीपी हो गया, फेरा हो गया, ये सारे एक्ट्स जो थे वो आए। और इसमें क्यों रेगुलेशन करना हमने इम्पोर्टेंट समझा, बिकॉज 1956 के बाद देखा था हमने की इनएफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर में ग्रो कर रही थी, ऑपरेशन उनका काफी मुश्किल होते जा रहा था। 1980 के पॉलिसी के थ्रू हमने इफिशियंसी इंक्रीज करने की कोशिश की पब्लिक सेक्टर की, टू रेज इफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। और यहां से हमारा स्टार्ट हुआ रिवर्स ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वी वांटेड टू रिवर्स ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो काफी लैग हो चुकी थी, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर, तो हमें उनको रिवर्स करना था और ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी हमारी पब्लिक सेक्टर में थ्रू डिफरेंट रेगुलेशंस। तो दिस वाज अबाउट 1980 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद जो मेजर चेंज आया दैट केम इनटू 1991, दैट इज कि हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या कि मार्केट जो है ओपन कर दी गई और उसमें सबसे बड़ा इंक्रीज किसका हुआ, प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज किया गया क्योंकि अब हमने यहाँ पे ये नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर है वो काफी इनएफिशिएंट हो चुकी थी, उसको इफिशियंट बनाने में काफी मुश्किल है। और यहाँ से जनरेशन स्टार्ट हुआ पीपीपी का, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रोथ वाइज का। फिर हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, फॉरेन इंडस्ट्रीज काफी हमारे इंडिया में बिल्डअप होनी स्टार्ट हुई एंड दिस चेंज द कंप्लीट इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया जो था हमारे कंट्री का, दिस 1991 रिफॉर्म्स हैज चेंज्ड। और उसके बाद अभी तक हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं कि 1991 को ही एनहांस कर रहे हैं और हमारा इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है ना कि काफी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गए। तो क्या प्रॉब्लम्स थे,
वो डिस्कस कर रहे थे, जिसके वजह से कि इतने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 में हमें रेगुलेट करना पड़ा, 1991 में तो क्या चेंज ही होगी काफी सारी चीजें। तो क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले कि हमारा पीएसयू दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको हम क्या बोलते हैं पीएसयूज। तो पहला प्रॉब्लम था क्या इसमें, पुअर पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो पॉलिसीज हम बना रहे थे वो उतनी इफिशियंट नहीं थी, और चलो जो अगर कुछ इफिशियंट बना भी रहे थे तो उसको हम लोग ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। पॉलिसीज में दिख रहा था कुछ और टारगेट और हमारे इंडस्ट्रीज में टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे थे। ओवर स्टाफिंग हो गई, अब क्या हुआ कि जॉब्स उतने प्रेजेंट थे नहीं। अब जो पब्लिक सेक्टर में जॉब्स थे वो गवर्नमेंट जॉब को इंक्रीज करने के लिए इन पीएसयूज में ही ओवर स्टाफ कर दिया उन्होंने, ओवर स्टाफिंग हो गई इन पीएसयूज की, दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। वेस्टेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज काफी यहां पे होना स्टार्ट हो गया, देयर वाज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन होने लगा रिसोर्स का, ओवर स्टाफिंग है तो स्टाफ्स की भी अंडर यूटिलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई। ऑपरेशन कॉस्ट काफी बढ़ी है, जैसे मैंने बार बार बोला था हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, लॉसेस मनाने लगे, इतनी ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गया कि प्रॉफिट्स के जगह ये सारे जितने भी इंडस्ट्रीज थे दे वर इन हाई लॉसेस। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो स्टाफ्स थे उनमें भी मोटिवेशन कम था, टेक्नोलॉजी की उतनी एडवांसमेंट नहीं हो पा रही थी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, सबको ऐसा उस टाइम हो गया था कि चलो भाई अब तो गवर्नमेंट जॉब लगी गई, अब काम करो या ना करो। अभी देखो गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें स्टाफिंग की थोड़ी मोटिवेशन में कमी आपको दिखेगी। ठीक है, और उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर प्राइस पॉलिसी, जो प्राइस पॉलिसी हमने रखी थी वो भी अच्छी नहीं थी, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, जिसके वजह से और ये सारी इंडस्ट्रीज लॉस में जाती गई। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन से एज प्रॉब्लम्स एज पीएसयूज। तो आई होप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की जो बेसिक थीम थी, जो बेसिक आइडिया थे, कैसे कैसे चेंज हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, कैसे डेवलप हुआ, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टूडे। Please do like, please do share and please do subscribe. Like करें, share करें, subscribe करें. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.